नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर हरियाणा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा जिला भिवानी द्वारा हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, जिसमें हरियाणा की भाजपा और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार व केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की गई, क्योंकि किसान एक साल से शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं। हिसार में जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, वह सरकार अलोकतांत्रिक तरीका अपना रही है। यह ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें किसान सभा के जिलाध्यक्ष मास्टर शेर सिंह, सीटू के अनिल कुमार, सुखदेव पालवास, करतार सिंह ग्रेवाल व लेबर क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर भी उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए चीफ सोनू पवार की एक खास। किसानों की समस्या तो हल कर नहीं रहे, जानबूझ के कहिए हम विरोध करते हैं और हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। राष्ट्रपति इधर देखो सर, आज हिसार में किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस को हुक्म दिया और किसानों पर लाठीचार्ज किया, अश्रु गए छोड़े, काफ़ी किसानों के चोट आई है और उनके वाहन जब्त कर लिए और सैकड़ों किसान गिरफ्तार कर लिए। इस बात को लेकर के जनता में और किसानों में और मजदूरों में भारी रोष है और आज हम रोष स्वरूप राष्ट्रपति महोदय से मांग करने आए हैं उपायुक्त के माध्यम से कि हरियाणा सरकार जो है लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली अपना रही है और जानबूझ करके इसे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को हिंसात्मक बनाना चाहती है, उसकी इन करतूतों के विरोध में हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज करके हरियाणा सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं कि ये सरकार ना कोविड का इलाज कर पाई लोगों का और ना ही किसान आंदोलन की समस्याएं हल कर पा रही है। कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठ गया पूरी तरह से और पुलिस राज हरियाणा में बना दिया है। हम इसका विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहते हैं कि ये सरकार लोगों की समस्याएं हल करने में और किसानों की समस्याएं हल करने में नाकाबिल है और वो जो ना अपना प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर रही है केंद्र सरकार पर किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, इसलिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। पिछले एक साल से 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसान आंदोलन कर और वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़ोर शोर से इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जानबूझ करके किसानों को छेड़ रही है और कुछ ना कुछ कह करके उन लोगों को अंग लगा रही है ताकि ये लोग भटकें और हम इनका इलाज कर दें। आज हिसार में जैसे एक 500 बेड का अस्पताल की घोषणा की गई सरकार द्वारा, एक स्कूल के अंदर वो अस्पताल का और उसने मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर के उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है, कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन किसानों को छेड़ना है असली मकसद इन लोगों का ये है। तो आज हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में ये मांग की है कि केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और किसानों की समस्या का हल किया जाए।